इग्नू परीक्षा 2020। इग्नू दिसंबर परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं दोस्तों। काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हम परीक्षा अगर दिसंबर में देना चाहते तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि हमने जून 2020 के लिए परीक्षा फॉर्म भरे थे जो कि सितंबर और अक्टूबर में परीक्षा हुआ, उसका हमने टोटल 8 सब्जेक्ट का भरे थे जिसमें से 4 सब्जेक्ट दे पाए, बाकी सब्जेक्ट नहीं दे पाए, तो क्या हमें दोबारा परीक्षा फॉर्म भरने होंगे, फ़ी लगेगा या बिना परीक्षा फॉर्म भरे हुए एडमिट कार्ड हमारा जारी कर दिया जाए। इस प्रकार से तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के तहत आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने जून 2020 परीक्षा के लिए 6 सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही परीक्षा दे पाए, बाकी जो 2 सब्जेक्ट का परीक्षा क्या हम दिसंबर 2020 में दे पाएंगे या नहीं। यदि हमें देना होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या हमें फिर से 2 सब्जेक्ट का फी जमा करना होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ये सारे के सारे सवालों का जवाब। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि आज का सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या भारत में कितने हैं दोस्तों, जल्दी से सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये जो है वीडियो हम ऑन दी डिमांड पर बनाए जा रहे हैं, अगर हमसे कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं हिमानी जी है, इन्होंने जो है 5 मिनट पहले ही कमेंट करके इन्होंने पूछा था कि यहाँ पर प्लीज़ रिप्लाई, मैंने 6 एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था बट सितंबर में 4 के ही पेपर दिए थे 2 पेपर नहीं दिए, अब मुझे उन 2 पेपर को देना है बट वही सब्जेक्ट का कोड ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो फिर मैं क्या करूं। तो यहाँ पर दोस्तों इनका सवाल का जवाब एक वीडियो के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंटों को सता रहे होंगे, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यह वीडियो जैसे आप देखेंगे पूरा, आपको हर एक प्रकार का डाउट को पूरा का पूरा हम क्लियर कर देंगे, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट रूप से आपको देखना होगा। तो चलिए दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको देते हैं 1 बाय 1 करके और आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, इग्नू का जो है एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट हम यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों कि 10 नवंबर आपका लास्ट डेट है। 10 नवंबर से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि फटाफट सभी विद्यार्थी अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर ले। तो ये तो बात रहा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर जून 2020 का जो परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर रिगार्डिंग में, तो आइए एक एक करके सवालों का जवाब यहाँ पर देते हैं। सबसे पहला बात कि मैंने जून 2020 परीक्षा के लिए 6 सब्जेक्ट भरे थे और 6 सब्जेक्ट भरे थे, लेकिन जिसमें से 4 सब्जेक्ट का परीक्षा दिए। दोस्तों यहाँ 6 के जगह आप 8 होगा, आपका 10 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जिसमें से दोस्तों 4 सब्जेक्ट का परीक्षा दिए होंगे, 2 सब्जेक्ट का परीक्षा दिए होंगे, कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो क्या हम परीक्षा दे पाए, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपका हो सकता है छूट गया होगा, 3 सब्जेक्ट छूट गया होगा, 4 सब्जेक्ट, कितनों भी सब्जेक्ट छूट गया होगा, तो आप ज़रूर दिसंबर में 2020 में परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका जितना भी सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो चाहे 3 सब्जेक्ट हो, सभी परीक्षा आप दे पाएंगे दिसंबर 2020 में। याद रखिएगा जून 2020 के अगर आप परीक्षा फॉर्म भरे थे, वही कैंडिडेट ही दिसंबर 2020 में एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर उठते हैं, यदि हमें देना होगा तो क्या करना होगा। दोस्तों यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो जो 2 सब्जेक्ट हैं, उस 2 सब्जेक्ट को आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। अब जहाँ तक फ़ी के बारे में बात है, तो फ़ी आपका एक भी रुपया फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों इग्नू की जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है, यहाँ पर आकर आपको सेम टू सेम यहाँ पर चेक बॉक्स करके आई हैव डिक्लेरेशन को क्लिक करके दोस्तों आपका पोर्टशीट पर क्लिक करके आपको ये सारे का सारे डिटेल आपको फिल करके रीसबमिट करना जरूरी है। बिना रीसबमिट किए हुए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे आप दिसंबर 2020 के लिए आप नहीं सम्मिलित हो पाएंगे। जैसे आप रीसबमिट के लिए अलाउ करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, अपना सारा डिटेल यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट आपका छूटा होगा, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट छूटे होंगे वे सारे के सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको छूटे हैं। अगर और भी सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो येस करके यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट आप ऐड कर ले, और अगर जो 2 सब्जेक्ट छूटा है उसी का परीक्षा देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो येस है इस पर नो कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ जो 2 सब्जेक्ट छूटा था उसी का परीक्षा देना चाहते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है 0 रुपया आपको लगेगा, लेकिन रीसबमिट करना जरूरी। यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर टोटल फी टू फी पेड 0। याद रखिएगा यह उन कैंडिडेटों के लिए है जो जून 2020 के लिए परीक्षा फॉर्म भरे थे लेकिन किसी कारणवश वह परीक्षा नहीं दे पाए और वे दिसंबर 2020 में देना चाहते हैं तो उसे सिर्फ रीसबमिट करना जरूरी है, उसे किसी भी प्रकार कोई फी नहीं लगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर बताना चाहेंगे किसी कारणवश 2 सब्जेक्ट छूटा है और 2 सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहते हैं दिसंबर 2020 में, चाहे वो सितंबर अक्टूबर में जो परीक्षा है वो फेल हो गए होंगे तो भी यह रीज़न हो सकता है या किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट के 150 हिसाब। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर जून 2020 के लिए अगर हम परीक्षा फॉर्म नहीं भरे थे तो हमें क्या करना हो। जब जून 2020 के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरे थे तो सिंपल सा बात है दोस्तों दिसंबर 2020 के लिए आपको परीक्षा फॉर्म फ्रेश से आपको भरने होंगे। चाहे आप परीक्षा दिए होंगे तो भी आपको फॉर्म भरने होंगे, नहीं दिए होंगे तो भी आपको फॉर्म भरने होंगे, बशर्ते दे दिए हैं तो आपको फिर से दोबारा से फी जमा करने होंगे। आप अगर परीक्षा नहीं दिया फॉर्म फिलअप कर दिए तो आपको परीक्षा फ़ी तो नहीं लगेगा लेकिन रीसबमिट करना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस वीडियो के तहत सीखे कि हिमानी जी जो हमें क्वेश्चन पूछे थे कि हमें जो है 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट दिए और 2 पेपर नहीं दे पाए तो उनको जो है जवाब जरूर मिल गया होगा। तो हिमानी जी एक बार नीचे कमेंट करके आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा कि हाँ आपने सही कहा। और दोस्तों और हिमानी जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार रीसबमिट जरूर कर दें आप इग्नू के वेबसाइट में जाकर। बाकी किसी को भी कोई भी दिक्कत है एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का, अगर कोई हमसे चाहते हैं कि इस टॉपिक्स पर वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि दोस्तों दूसरों के भी मन में जो क्वेश्चन है वो उसका भी जवाब मिल जाए सभी विद्यार्थियों को। तो दोस्तों ये थे सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहा। हिमानी जी को फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कमेंट बॉक्स पर कमेंट किए। इसी प्रकार से दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट करें और आज का सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। भारत में कुल कितने राज्य? मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।